que hay, pero que... पूरे यूरोप में इंग्लिश बोला और हिंदुइज्म के बारे में बोला कि हिंदू क्या है, ये सनातन क्या है। आज तक उसकी जो विचारधारा है बिल्कुल फ्रेश है, ये एक एक सीरियल ही नहीं है, एक विचारधारा है। एंड आई एम हैप्पी के सच अ ग्रेट ये जो डायरेक्टर साहब है हमारे, इन्होंने, और साथ में हाउ कैन आई फॉरगेट द प्रोड्यूसर्स, कमल बुकुट जी, नाम है कमल बुकुट, सदा उनके चेहरे पे एक उनके सर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव मुकुट रहता है। वो जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाते हैं वो कुछ बहुत ही अच्छा होता है। हैट्स ऑफ टू कमल बुकुट जी। शालिनी जी है इसके प्रोड्यूसर, और है? और मिस्टर मिस्टर गुप्ता जो है, मिस्टर एक 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 गुप्ता जी है। ये सब मतलब उस लेवल के लेवल नेक्स्ट के लोग हैं जो कि एक कल्चर देना चाहते हैं हिंदुस्तान को। मेरे ख्याल से जब ये डीडी पे आएगा, मैं डीडी की इम्पोर्टेंस को जानता हूँ, अगर आप डीडी को सीरियसली लोगे, सर मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीडी को सीरियसली लोगे तो डीडी आपको सीरियसली लेगा, क्योंकि महाभारत यूज्ड टू कम ऑन डीडी। और हमारा सीरियल जो 5 साल चला था जिसमें डैनी जयंत कप्पा थे, उसका नाम था अजनबी। और मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए, हर एज के वर्ग के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होने वाले हैं, क्योंकि बॉलीवुड और विवेकानंद जी का संगम बहुत जरूरी है। मतलब फिल्मों की संस्कृति प्लस विवेकानंद जी की संस्कृति, मतलब हम सब, हाँ मतलब फिर भी उसको हम फिल्मों से, क्योंकि अपने डीडी बहुत ही होता था, डीडी की वो महत्व सर जो बताया सही बात है, रामायण हो या महाभारत हो या स्वामी जी का जो वो प्रोग्राम फिट होगा, डीडी को सीरियसली जरूरत पड़ती है। और साथ साथ में विवेकानंद जी के बारे में या उनके मार्ग पर चलना हम सबके लिए बहुत जरूरी है किसी भी युग में। मैं तो रहता भी ऐसी रोड पर, ऐसी रोड जो है स्वामी विवेकानंद को, वो बहुत हमारे बॉम्बे के लिए खासकर बड़ा वरदान है। वो मार्ग नहीं है, वो मार्गदर्शन। और मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलीवुड के देवानंद को सलाम है जो फिल्म से जुड़े हैं, और विवेकानंद को प्रणाम है जो फिल्म से जुड़े हैं। फिल्म और फिल्म अगर एक साथ में जुड़ जाएगी तो जैसा कि सीरियल है, ये सबको आपको मार्ग दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा। मैं बहुत गदगद हूँ कि काम के मामले में महामहीन हूँ, लेकिन महामहीन के हाथ से आज मेरा जो सम्मान हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड। नो, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने डायरेक्टर साहब से कि आते होता है तो भाव का भी आ जाएगी। सर पहला सॉन्ग बात पहला सॉन्ग, तो उसके बाद ये पूरा सीरियल भी कभी कभी हमने रेडी कर दिया। और विवेकानंद के रामकृष्ण वर्मा से बचपन से शुरू किया, विवेकानंद के बचपन तक हमने शूट कर लिया, कुछ और भी चीज़ें आ चुकी हैं। लगभग विवेकानंद का पूरा जर्नी और रामकृष्ण के परमा की पूरी जर्नी दिखाई। आप प्रोडक्शन जी, एक्चुअली कहते हैं ना, चाहत, फैशन और मजबूरियाँ इंसान को सब कुछ करा देती हैं, तो वही हुआ कि एक चिंता पकड़ के यहाँ आया और धीरे 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 ऊपर वाले की तरफ से भी वो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर शालिनी गुप्ता और डॉक्टर अजीत गुप्ता, ये तीनों हमारे बहुत ही मतलब शुभचिंतक है, उन लोगों ने हमारे लिए जो ये पैसे लगाए हैं अपने और एक टीम को खड़ा किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर कमल मुकुट जी का तो मैं पहले 12 साल पहले रह भी चुका हूँ, उनके साथ परिचय किया हूँ, तो आज उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया, फ्लैट बनाया, तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करने का मन करता है। और ये सब्जेक्ट जो विवेकानंद को मैंने चुना है, ये दुनिया के लिए, यूथ के लिए एक नया मैसेज, तो इस पर जो उन्होंने पैसा लगाया है, फिल्मों सब लोग लगाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद कहूँगा। सर देखिए, मैं फिल्में बनाया, उससे पहले दो फिल्म सीरियल में बनाने का मेरा मूड नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर आचार्य नागेंद्रा हैं, डॉक्टर आचार्य रविंद्र हैं, ये बेंगलोर के हैं जो योग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो मैं वहाँ गया हुआ था और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको। सबसे प्रथम मैं आज हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे जो डायरेक्टर और राइटर कृष्णा मिश्रा सर, उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारा पोस्टर लॉन्च हुआ। हम सभी ने, उनके साथ साथ जो भी जुड़े हैं, सभी ने बहुत कष्ट लेके ये काम किया है, क्योंकि हम
रियल लोकेशंस में जा जाके हमने शूट किया। तो एज यू नो रियल लोकेशन में आप जाओ तो बहुत सेफ पे जो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। वहाँ पे हालात ऐसे होते हैं कि आपको कभी मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है कुछ, बट यू हैव टू परफॉर्म, द शो मस्ट गो ऑन, दैट काइंड ऑफ वर्क वी डू दैट। सो सबसे पहले सभी को मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ। मैंने इस पे जैसे आपने पूछा रानी रोशमनी का काम किया था, ये काम जब मैंने ये कैरेक्टर जब मैंने मुझे दिया गया तब मैंने उनके बारे में पढ़ा और तब मुझे जाके पता चला कि वहाँ